Hello students, have a nice day. In previous video, I have explained exercise of noun clause. Complex sentence, we have to make complex sentence by using noun clause. Noun clause में, in noun clause I have explained that noun clause किसी न किसी subordinating conjunction से शुरू होता है और ये वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है. अब मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वेट टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास. तो सीधी सी बात है, एडजेक्टिव क्लास विल वर्क हियर एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कॉन्टेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. अब नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लास में अंतर क्या है? What is basic difference between noun clause and adjective clause? कोई बड़ा अंतर नहीं है, पर देखेंगे तो अंतर है. Noun adjective clause भी noun clause की तरह किसी न किसी subordinating conjunction when, why, what, where, who, how, as, that जो भी उसे सब से शुरू होता है when आदि हैं. लेकिन अंतर ये है कि इसके पहले पूर्ववर्ती आएगा, उस पूर्ववर्ती की व्याख्या वह एडजेक्टिव क्लास करेगा. जैसे आपके यहाँ पहले सेंटेंस है, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम. तो आई डू नॉट नो द टाइम, जो आई डू नॉट नो के बाद हम क्लास लगाते तो वो नाउन क्लास हो जाता. लेकिन यहाँ पर जो हम लेंगे आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, तो व्हेन के पहले जो द टाइम आया है आपका यही एडजेक्टिव क्लास बनेगा, यही पूर्ववर्ती है. और पूर्ववर्ती के बाद जो क्लास आएगा वह एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा. स्पष्ट होनी चाहिए बात में. इसके पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, निर्माणों के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, माना अगध अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं. हर छात्र को संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती है. सफलता बहुत मुश्किल के बाद मिलती है. सफलता कोई दुकान में मिलने वाली चीज़ नहीं है, रात दिन एक करना पड़ता तब जाकर सफलता कहीं मिलती है. अब मैं आपको जो एडजेक्टिव क्लास की एक्सरसाइज है उसको बताने का प्रयास करता हूँ. पुस्तक लेकर बैठे, एक एक सेंटेंस आपको मैं हल करूँगा, उसको आप देखने का प्रयास करें. माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम. तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एडजेक्टिव क्लास से, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, द पेन इज माइन इट इज ऑन द टेबल. पुस्तक भी सब होगा आपके पास, तो बना के हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन. दिस हाईवे पासिस थ्रू मथुरा आगरा एंड कानपुर, दिस हाईवे इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2. कॉम्प्लेक्स आएगा ये, दिस हाईवे विच पासिस थ्रू मथुरा आगरा एंड कानपुर इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2. आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फेथफुल. आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल. वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, हियर ए शेफर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली. इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, वेयर ए शेफर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली. द बॉय स्टैंडिंग हियर इज माई ब्रदर, तो द बॉय हू इज स्टैंडिंग हियर इज माई ब्रदर. ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीजन. बहुत अच्छा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, डू यू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे. विल यू गिव मी द वॉच, इट इज ऑन द टेबल. तो विल यू गिव मी द वॉच विच इज ऑन द टेबल. आई बॉट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट. ए पेन विच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक हैज लॉस्ट, या आई हैव लॉस्ट ए पेन विच आई बॉट ए फ्यू डेज बैक, ये ज़्यादा बेहतर है. आई हैव लॉस्ट ए पेन विच आई बॉट ए फ्यू डेज बैक. आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली. यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक. माई फादर गेव मी पेन, इट वॉज लॉस्ट. माई फादर गेव मी पेन विच वॉज लॉस्ट. ए पेन विच माई फादर गेव, ए पेन विच माई फादर गेव मी वॉज लॉस्ट. यू कैन फाइंड इन माई रूम, द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी. यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी.
आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस. देखें ठीक से सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14. आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस. तो ये बनेगा एज सून एज आई हर्ड द न्यूज या व्हेन आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल और पेन जो बाद में जाने वाला है व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस. इसको एक प्रकार से और बनाते हैं व्हेन आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस या हियरिंग द न्यूज आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस. जो आप ठीक कर लें आपके लिए ठीक है. नेक्स्ट आई हैव ए वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम. आई हैव ए वॉच व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम. ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉच ब्लाइंड. ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे वॉच ब्लाइंड. ऐसे बना सकते हैं मैन हु वॉच ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे. दोनों बन सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं है. दिस इज द मैन ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम. ही इज द मैन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम. ही ओन्स अ डॉग द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट. इस पर थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाएंगे. ही ओन्स अ डॉग द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट. तो ही ओन्स अ डॉग ऑफ हूम द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड. लेकिन और दूसरा सही बनेगा चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ ए डॉग. चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ ए डॉग कुछ ही ओन्स. द टेलर वॉज हंग्री ही वॉज थर्स्टी ही केम टू माई हाउस ही बेग्ड फॉर फूड. द टेलर हु वॉज हंग्री एंड थर्स्टी केम टू माई हाउस व्हेयर ही एंड ही बेग्ड फॉर फूड या व्हेयर ही बेग्ड फॉर फूड. सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाई एवरी वन. तो सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरी वन. द बॉय हैव कम बैक दे वेंट टू डेही लास्ट मंथ. द बॉय हैव कम बैक दे वेंट टू डेही लास्ट मंथ. द बॉयज हु वेंट टू डेही लास्ट मंथ हैव कम बैक. जो बच्चे दिल्ली पिछले महीने गए थे वापस आ चुके हैं कमा करके. दिस इज हाउस ही वॉज बॉर्न हेयर. दिस इज हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न. दिस इज पोरबंदर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हेयर. दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न. लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली ही डिफीटेड नेपोलियन. ध्यान सेंटेंस को देखेंगे. लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली डिफीटेड नेपोलियन. तो जो बनने वाला है लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली डिफीटेड नेपोलियन. लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू very tactfully, so tactfully defeated Napoleon. That's all for this period. For this, if you have liked my video, please like and share and you must comment. आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करनी चाहिए. जहाँ पर कोई दिक्कत है उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे. I have solved the exercise of adjective clause to make complex sentence by using adjective clause. That's all for this period.